वो कौन सा समय था जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी और किन देशों ने उन समय में भारत की मदद की। यह 1971 के भारत पाक युद्ध का समय था और इस उत्तर में मैं भारत के लिए रूसी मदद के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक छोटे राष्ट्र के बारे में जिक्र करूंगा जिसने भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने के लिए एक अहम कदम बढ़ाया। भारत फिलिस्तीनी लोगों का एक पारंपरिक समर्थक था जो मेरे विचार में अरब राज्यों को खुश करने का एक साधन था जो पाकिस्तान के प्रति झुकाव रखता है। यह केवल सन 1992 में था जब भारत ने इजराइल के साथ एक संबंध स्थापित करना शुरू किया, लेकिन वास्तव में यह पहली बार नहीं था कि दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में आए थे। इंदिरा गांधी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इजराइल के विदेश मंत्री अब्बा एवान पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी अत्याचारों के आलोचक थे। इजराइल की पीएम गोल्डा मीर ने ईरान के बजाय भारत को हथियारों को केवल इस समझौते के तहत भेजने में मदद की कि भारत उन हथियारों को हस्तांतरण के माध्यम से तभी प्राप्त करेगा जब भारत राजनीतिक और राजनीयक संबंधों पर सहमत होगा। भारत को पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन का समर्थन करने के लिए इजराइल से भारी मोर्टार की आवश्यकता थी। श्लोमो एस्टलबिलस्टेन सालगेट के प्रमुख थे जिसने सन 1971 में न केवल इजराइल से भारत में हथियार वापस लाने में मदद की बल्कि सन 1965 में भी इसी प्रकार की हथियार का निर्यात भारत में किया। उन हथियारों को कुछ इजरायली प्रशिक्षकों के साथ एयर लिफ्ट किया गया था। हथियारों का सौदा एक उम्मीद के साथ किया गया था कि भारत इजराइल के संबंध कुछ दिन और चमकेंगे। एक और समय था जब इजराइल ने भारतीय स्थापना में मदद की जब भारत एक गुप्त कमांडो फोर्स का गठन कर रहा था। सन 1977 में भारत ने स्पेशल ग्रुप का निर्माण किया जिसके लिए रॉ ने ब्रिटिश SAS कमांडो के साथ एरेकफोर्ड में प्रशिक्षण लेना चाहा, लेकिन यह भारतीय प्रतिष्ठान के लिए बहुत महंगा था, इसलिए विकास के कमांडो ने 20 दिनों से अधिक समय तक तेल अवीव में इजरायली सेना की कमांडो यूनिट सैरत मतकाल के साथ प्रशिक्षण लिया। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि स्पेशल ग्रुप और सैरत मतकाल के बिजनेस में काफी समानताएं हैं जो भारत और इजरायल के मजबूत संबंध का एक प्रतीक स्वरूप है। इजराइल ने समय और फिर से भारत को अपनी मदद दिखाई और वर्तमान NDA सरकार के दौरान भारत इजराइल के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए, जहां दोनों देशों के बीच हथियार रक्षा सौदे डिटेल शेयरिंग मशीनरी तकनीक कृषि क्षेत्र और अंतरिक्ष जैसे विषयों पर लेन देन अक्सर चलते रहते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।